हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो करते हैं दिन की शुरुआत। अभी हम खाने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट, देखते हैं इनके ब्रेकफास्ट ये में क्या 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 खा रहे है। हैं? तो चलो चलते हैं। वैसे जितनी सुबह ये ब्रेकफास्ट का टाइमिंग रखते हैं ना, उतनी सुबह उठने का मन नहीं करता है कि 10 बजे तक ही है। अच्छा ठीक है, 10 बजे उठ जाते हैं, पर कहीं घूमने जाए तो बंदा इतनी जल्दी फेर नहीं उठता, उठा उठा नहीं जाता, पर खाने के चक्कर में उठना पड़ता है। तो खाना है इनका 16वें फ्लोर पे, 16th फ्लोर पे जाना पड़ेगा हमें। ऑलरेडी 16th पे है, मुझे लग रहा है सारे भूखे खाने गए हुए हैं। सब इसी टाइम जाएंगे ना? कोई जल्दी जल्दी जाएगा ना इस टाइम भी? मुझे तो हम आ गए हैं 16th फ्लोर पे। यहाँ पे तो टेबल्स वगैरह लगी हुई हैं, पता नहीं क्या है। टेबल यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है सारा डाइनिंग। अच्छा बना हुआ है। ये कॉफी मशीन लगी हुई है, ये पता नहीं देखते हैं। नो प्रॉब्लम, ले लो। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या लेना है क्या नहीं। इनके अंग्रेजों के हमें तो चीजें भी समझ नहीं आ रही है। फुल रश हो रहा है यहाँ पे सुबह सुबह, मुझे लगा लोग उठते नहीं है, पर भाई खाना खाने के लिए सब उठ जाते हैं। खाना खाने के लिए सब उठ के आए हुए हैं। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे अपने लिए कॉफी पीने के लिए, जो भी है। अजय अपना देख रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को भी सारी चीजें पता है क्या है क्या नहीं है। तभी हम बैठ गए अपना लेके नाश्ता पानी। नाश्ता पानी बढ़िया अरेंजमेंट, बहुत बढ़िया किया हुआ है। खाते हैं मस्त। हाँ, हमें आधे आइटम समझ नहीं आए अंग्रेजों के, हमने जो समझ लिए हमने अपने उठा लिए। ले लिया पैनकेक के मजे, फ्रेश है ना, बिल्कुल स्वाद लग रहा बहुत। ये खा रही है डेजर्ट, पसंद नहीं आएगा इसको, ओट्स है ये। चलो हो गए रेडी, अब करते हैं चेकआउट। यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं आज घूमने की जगह है, और देखते हैं कि आज ही वापस जाएंगे कि कल जाएंगे, वो आगे आगे देखते हैं। अभी तो हमें भी कंफर्म नहीं है कि आज ही वापस जाएंगे या कल जाएंगे। भाई अगर जगह होगी कवर तो आज ही चले जाएंगे, मतलब रात तक पहुंच जाएंगे तो कल का दिन सेव हो जाएगा इस हिसाब से। निकल गए चेकआउट करके बाहर, अब देखते हैं कोई एक आधी जगह और देखते हैं घूमने की। और आज मौसम भी थोड़ा धूप है, थोड़े से बादल है, ऐसे मिक्स अप टाइप सा मौसम है। और अगर कोई जगह मिलती है और तो देखते हैं उस पे बनाते हैं वीडियो, और नहीं मिलती है तो फिर घर की तरफ निकलते हैं। शाम तक पहुंचेंगे घर पे आज ही, में क्या आज ही चलते हैं घर, क्योंकि अगर कल निकलेंगे ना तो फिर कल का पूरा दिन ही वेस्ट टाइप सा हो जाएगा। मैं क्या आज चाहे लेट निकल जाएंगे, रात को लेट पहुंच जाएंगे, पर कल का दिन सेफ हो जाएगा, तो आज ही निकलेंगे। और अभी जो है वो देख लेते हैं थोड़ा, और शाम के टाइम हम निकल जाएंगे। मतलब पहुंचने में लग जाएंगे 4 घंटे कुछ का टाइम लग जाएगा। 3-4 घंटे के हाँ, आसपास साढ़े होंगे तीन ना। चार घंटे लगेंगे तो इजीली पहुंच जाएंगे आराम से। ये इधर खड़ी है काफी किश्तियां सी, वैसे नहीं लग रहा जैसे उधर होता है वो हरिद्वार टाइप में ही होता। हरिद्वार में किश्ती करो, किश्ती से करो, फिर करो यार, हरिद्वार जैसा नहीं लग नहीं, रहा। ऋषिकेश में जैसे वो राफ्टिंग सी नहीं होती, तो साइड में देखने में वैसा लग रहा था। ये ऐसे कैसे रिकॉर्ड हो रहा है कि सिनेमैटिक मोड चला हुआ है क्या ये? तो दूसरी जगह पे जाने के लिए ये पुल के ऊपर से जाना पड़ेगा, और मैंने इसको बोला कि तू मेरे को बस ये पानी के ऊपर जो पुल है ना इनके ऊपर मत लेके जा, पर ये अच्छा सा तो लग रहा है, ये जाली सी आगे दिखनी तो है नहीं। ये देखो पुल, वो खतरनाक सा पुल है, बहुत खतरनाक सा पुल है, ऊंचा ऊंचा सा, अजीब सा। हाँ पर यूं है, मैं इसमें इसलिए सेफ फील कर रही हूँ क्योंकि मुझे साइड में ज्यादा पानी नहीं दिख रहा। ये ट्रेल है थोड़ी सी, और लेकिन यहाँ से व्यू देखो आप शहर का कितना अच्छा दिखता है। यहाँ से ये जाने का रास्ता कितना प्यारा बना हुआ हाँ, है, ये व्यू अच्छा सा लग रहा है। चल ये कर तो वॉक के लिए सबसे बेस्ट है। इस सेट पटड़ी है, हाँ ट्रेन जाएगी यहाँ से। बगीचों में से निकाला हुआ है रास्ता, अच्छा लग रहा है ऐसे व्यू सा। इस साइड बढ़िया फूल, कलरफुल से फूल है। यहाँ पैदल चलो, वैसे घूमने वालों के लिए तो मजे आए यहाँ पे, रोज बढ़िया घूमने आए। देखो पहले येलो फिर ऐसे। ये व्हाइट हो जाते हैं, पहले येलो होते हैं ये वाले, लेकिन ये बाद में व्हाइट हो जाते हैं, सारे के सारे येलो थे। जैसे वो हो रहे हैं ना अभी, वो येलो वो व्हाइट हो जाएंगे कुछ दिन बाद। ना झड़ नहीं रहे, काफी। स्टेशन है मेरे ख्याल से इधर, हाँ ये स्टेशन ही लग वाला रहा है ये, डारमत फेरी डारमत टर्मिनल स्टेशन ही है ये। स्टेशन है ये। हाँ हाँ कितने दिन बाद लग रहा है, रेल रूल भी चलती है भैया। वो आगे खड़ी हुई है। हाँ
ये देखो ये पार्क है स्टेशन के साथ में ही, और ये पूरा शहर दिख रहा है यहाँ से। अच्छा दिख रहा है। वहाँ पे बेंच पे बैठो और देखती जाओ सारा दिन। और देखो वाला पुल जहाँ पे हम अभी आए, जो पुल क्रॉस करके आए हैं ये वाला पुल है वो। ये देखो यहाँ से वो पीछे तक पूरा का पूरा शहर दिख रहा है। अभी हम वहाँ पर थे ना, हाँ अभी हम उस साइड थे शहर के, तो अब शहर के इस साइड आ गए हैं। और ये यहाँ पे जैसे बेंच पे बैठे हुए हैं, बढ़िया अपना आराम से बेंच पे बैठो और सामने का मस्त नजारा और व्यू देखो। हम आ गए हैं खाने पीने कल वाले रेस्टोरेंट में ही। कल तो हमारा पोपट हो गया था। अभी देखते हैं क्या हाल है। भूख लग रही है बहुत तेज और ठंड इतनी ज्यादा लग रही है ना, मेरे ठंड चढ़ रही है अभी सच्ची बताऊं। क्योंकि हम तो यहाँ पे यही था कि वेदर अच्छा है, गर्मी है, क्या जरूरत है जैकेट वैकेट की। और रात को तो हमारा पोपट हो गया था, तो हाँ ये शायद। तो अब देखते हैं जगह मिलेगी कि नहीं। आज तो मिल गई है जगह खाने पीने के लिए। अब ऑर्डर करते हैं और फटाफट से खाते हैं, बस बहुत ज़्यादा तेज लग रही है। ये सही है, इधर का बाहर का बढ़िया व्यू भी दिख रहा है और आराम से बैठ के खा लो। इधर टीवी भी चल रहा है। खाना पीना हो गया, खाना बहुत अच्छा था और रेट इतना जेन्युइन था। मतलब हमारे वहां से शार्लेट टाउन से यहाँ पे रेट मेरे को इस होटल का बेस्ट लगा, कम अच्छा लगा रेट, और रेट खाना भी कम, क्वांटिटी भी ज्यादा, हाँ, टेस्ट और भी बेटर। खाना भी अच्छा था। तो चलो पेट पूट तो भर गया, अब आगे निकलते हैं। मैं तो इसको कह रही हूँ चलते हैं, पर देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पे और एक आधी जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं, फिर नहीं तो निकलते हैं पता नहीं एकदम क्योंकि से यहाँ पे अजीब ही वेदर है। बहुत कल ज्यादा धूप ठंड थी सी होगी तो एकदम ज्यादा, तो मेरे पास जैकेट गर्मी जुकेट थी, भी। आज एकदम से ना बारिश हुई ना कुछ, सिर्फ ठंड होगी बादल हुए और बहुत। ठंड होगी। तो 4 भी बज गए हैं। समुन्द्र के बीचों बीच ये घर सा बना हुआ है, पर ये इधर आते जाते कैसे होंगे? किश्ती कुश्ती से बीचों बीच घर बनाया हुआ है वहां पे इन्होंने, ये किश्ती से ही जाएंगे है ना, बिल्कुल बीचों बीच। देखना इधर कुछ ना उधर कुछ, पानी के बीचों बीच घर बनाया है। ये देखो यार नजारा तो एक नंबर है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ये देखो ऐसा लग रहा है कि हम ना पहाड़ी एरिया में चल रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ की सड़कें और घर ऐसा लग रहा है कि चंडीगढ़ के घर हैं। और शिमला सड़क, सोलन साइड लग रहा है। हाँ शिमला सोलन साइड लग रहा है, पहाड़ी सा एरिया लग रहा है ये। शिमला सोलन में घूम रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। गाड़ी कहते हैं पता लग जाता है ना कि कितनी, मतलब देख दिखने में इतना नहीं पता चल रहा, जैसे इंडिया में है ना खड़ी चढ़ाई पहाड़ों में, बिल्कुल बिल्कुल सेम वैसी है, वैसी है। बिल्कुल वैसी। और जहाँ जगह पे भी हम वैसी रह सी रहे लग रही थे ना है, वहाँ पे नॉर्मल थी। हाँ नॉर्मल है। देखिए हम आ चुके हैं इंडिया पहाड़ों की तरफ। ये हम जा रहे हैं सामने घूमने शिमला पिंजौर सामने पिंजौर है। हम शिमला से घूम फिर के अब पिंजौर की तरफ बढ़ चले। वो देखो सामने वादियाँ, दिखा सामने पहाड़, शिमला का पहाड़। हम चले अपने घर को वापस। बारिश बहुत ज्यादा तेज हो गई थी तो कहीं पे घूमने का नहीं हो पाया, इतनी तेज बारिश में कहीं घूमे। और मैंने जितनी कवर कर सकते थे जगह कर ली, आप फिर भी जितनी कवर हो सकती थी कर ली है। एक जगह का बनाया है मैंने प्रॉपर ब्लॉग, एक जगह पे गए हम। तो अभी हम चले हुए अपने घर की साइड, घर को। और बारिश बहुत तेज ही हो रही है बाहर, और मैंने पहन लिए अपने बढ़िया कंफर्टेबल से कपड़े क्योंकि कहीं लंबा नहीं हुई रास्ता क्या, है। 10 या 15% चांस था बारिश का, फिर भी लेकिन फिर भी ज्यादा तेज हुई है। 2-3 घंटे से हो ही रही है लगातार, हो ही रही है, कंटिन्यू तेज हो रही है। तो बस अब हम अंधेरा, जब तक पहुंचेंगे अंधेरा ही हो जाएगा, 9:30-10 बजेंगे पहुंचते पहुंचते। ये सही है, यहाँ पे टाइम आगे कर रखा है तो उस वजह से दिन काफी लेट तक रहता है। हाँ 10 बजे तक, हाँ 9 बजे के बाद थोड़ा अंधेरा होना शुरू होगा, 9 बजे तक तो रोशनी ही है फुल। तो चलो अब चलते हैं घर को, घूम फिर लिए, फूक दिया धन, फूक दिए पैसे। ये देखो पहाड़ों पे आई हुई है धुंध, बादल आए हुए नीचे इस साइड। ये देखो रास्ता, ये कहाँ से लग रहा है कनाडा, ऐसा लग रहा है शिमला की साइड जा रहे हैं। ये इस साइड सारी धुंध है, ये वाइट वाइट। ये आ गया एक और टोल, अब टोल भरते हुए घर पे जाएंगे। तब दुख नहीं लग रहा था, लेकिन अब टोल देने का दुख लगेगा क्योंकि अब हम घर जा रहे हैं, तब हमें घूमने का था। ये देखो धुंध कितनी आई हुई है सड़क पर, मैं देख हमें आगे तक दिख भी नहीं रहा है सड़क पे कुछ, कैमरे में थोड़ी क्लैरिटी दिख रही है। मैं क्या कैमरा खोल के बैठ जाते हैं, कैमरे में से ही देख ले फिर, क्योंकि कैमरे में थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है पर हम सामने देख, ये देखो लाइटें, अब लाइटें दिख रही है दूर से क्योंकि बहुत ज्यादा ही धुंध आ गई है एकदम से। बादल है, धुंध है, बादल नीचे आ जाते हैं देख बहुत ज्यादा हो गया।
तो चलो आज का व्लॉग यहीं तक का था। हम सेफली घर आराम से पहुंच गए थे और हम बीच में एक जगह पे गए थे घूमने के लिए, बहुत ही सुंदर जगह, उसका प्रॉपर व्लॉग मैं इसके बाद डालूंगी।